एक तो औरतों को गिफ्ट देखने की इतनी चाहत होती है ना। बॉक्स के अंदर गिफ्ट। देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है? किसी ने देखते हैं क्या भेजा है। अरे क्या है भाई इसमें तो किसी ने हमारे लिए बड़ा खूबसूरत सा पेन भेजा है। अच्छा किसने भेजा है पेन? नाम वाम तो कुछ नहीं लिखा सिर्फ आई लव यू लिखा हुआ है। आई लव यू। ये आई लव यू लिख के किसने पेन भेजा आपको? भाई मुझे क्या मालूम, तुम्हारे सामने कोरियर आया, तुम्हारे सामने मैंने बॉक्सेस खोले, उसमें से पेन निकला, कहीं लिखा हुआ नहीं किसने भेजा है। ऐसे कैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? अब जिसने पेन भेजा आई लव यू लिख के, उस इंसान को आप तो जानते होंगे ना। अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो अंजलि? किसी फैन ने भेज दिया होगा। नहीं किसी फैन ने भेज दिया होगा वो बात ठीक है, पर मुझे इस भेजने वाली का नाम और पता चाहिए बस। व्हाट डू यू मीन बाय भेजने वाली? मेरे फैंस बहुत सारे हैं जिसमें मर्द भी हैं बच्चे भी हैं। कैसे साबित हुआ कि ये पेन भेजने वाली कोई लड़की है? भेजने वाली जिस तरह से ये गिफ्ट पैक करके भेजा है ना, उससे साबित होता है कि भेजने वाली है। आई लव यू लिख के कौन भेजेगा आपको? अंजलि कैसी बातें कर रही हो यार अंजलि, तुम खाम का मुझ पे तुम शक कर रही हो अंजलि। देखिए तारक मुझे आप पर शक नहीं है। ओहो भाभी जी का पूरा यकीन है? नहीं जेठा भाई मुझे यकीन भी नहीं है। अच्छा तो शक और यकीन के बीच का शकीन, भाभी जी को पूरा शकीन है? पूरी हिंदी की वर्णमाला में शकीन जैसा कोई शब्द नहीं है शकुनी। एक मिनट तारक देखिए ना, मुझे ये सिर्फ नाम और पता बता दीजिए ना, क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? अंजलि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाई, तुम्हारे सामने कोरियर आया है, उसमें से पेन निकला है और ये किसी लड़की ने भेजा है साबित नहीं होता। मुझे क्या मालूम किसने भेजा है? तारक देखिए आई लव यू लिख के कोई भी लड़का पेन नहीं भेजेगा। अंजलि मुझे क्या पता किसने भेजा, सारे डब्बे सामने हैं। क्या छोड़िए ना, जिसने भी भेजा है आपका तो फायदा हो गया ना, एक घर में पेन तो आ गई। एक मिनट जेठा भाई, पेन तो आया है पर साथ में आई लव यू लाया है। चलो ओके चलो मानते हैं किसी लड़की ने भेजा है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, उसने खाली पेन ही भेजा है ना। अगर वो पेन भेजने वाली लड़की खुद इधर आ जाए ना तो टेंशन की बात है। पर जेठा भाई आप समझो। अंजलि भाभी एक मिनट, एक काम कीजिए, मुझे दुकान जाना है, कप गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास चाय पिलाएंगे हैं, तो क्या फिर मैं निकलूं चाय पी के? जी लेकिन तारक कोई भी फैन इस तरह पेन नहीं भेजता। चलो भेज दिया भाभी जी का अंदर। अब बताओ कौन है आई लव यू वाली? क्या मतलब कौन है आई लव यू वाली? जेठालाल मेरी शक्ल ध्यान से देखो, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? हाँ बोल रहे हो हुँ? अच्छा तुम्हारी निगाह में ऐसा का मतलब कैसा लगता हूँ? चालू जेठालाल। क्या मैं तो सीरियस हो गए? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। पता नहीं यार किसने भेजा होगा ये पेन। अरे अभी तक इस्त्री ठीक नहीं हुई, जाइए ना इस्त्री वाले को दिखा कर आइए ना एक बार। माधवी इस्त्री वाला नहीं इलेक्ट्रिशियन बोलो। हा? हाँ तेस्ते। अरे तेस्ते का है तेस्ते। और वैसे भी माधवी घर के छोटे छोटे काम ना खुद ही करने चाहिए। और काय तुम्हें, और सारे ट्यूबलाइट चेंज करने के लिए लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते और आप हो के। माधवी आजकल लोगों को ना इजी लाइफ चाहिए, किसी को मेहनत नहीं करनी। अरे आपके जमाने में क्या होता था? हमारे जमाने में हम सब काम अपने आप करते थे, चाहे वो साइकिल की सर्विसिंग करानी हो, या दरवाजे की कड़ी ठीक करनी हो, या नल का वॉइसर चेंज करना हो, या फिर ये इस्त्री ठीक करनी हो। क्यों पिछली बार सीडी प्लेयर किसने ठीक किया था? हाँ हाँ आपने ही तो किया था। मैं? जैसे ही प्लेयर में सीडी डाली सर करके सुदर्शन चक्र की तरह सीडी बाहर उड़ी और उसके दो टुकड़े हो गए, याद है ना? वो पिछले बार जो मैंने मिक्सर ठीक किया था वो तुम्हें याद है कि नहीं? अरे वो कैसे भूल सकती हूँ? मैं? उसकी आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है, जैसे ही मिक्सर स्टार्ट करती थी ट्रैक्टर की तरह आवाज आती थी। वो तो मैं एक बेरिंग डालना भूल गया था इसलिए, लेकिन बाद में ठीक हुआ कि नहीं? हाँ वो दुकानदार के मेहरबानी से। और दुकानदार के पास कौन लेके गया था? मैं ही लेके गया था ना, और 8 दिन पहले वो
बस बस वो सब छोड़िए, ये जरा राखी कुरियर करके आइए ना। ओहो, तो ये मुद्दा है, राखी कुरियर करने के लिए मुझे भेजना है? हाँ। अरे कमाल है तुम ची, एक लौता भाई है मेरा, साल भर में एक राखी नहीं भेज सकती उसको? नहीं नहीं बिल्कुल भेजो, मना कौन कर रहा है। मा? बस एक मिनट, मेरा ये हो ही गया, मैं चालू करता हूँ। हाँ ये 2 मिनट का काम है, देखो झालो। हाँ झालो। अभी भी शौक लग रहा है। अहो सांभळो, ऐकू नका माझं, अजिबात ऐकू नका। लगता है इसमें कुछ बड़ा फॉल्ट है, शायद कार्बन रिप्लेस करना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो, मैं किसी इस्त्री वाले को दिखा कर लेके आता हूँ। इलेक्ट्रिशियन ना? वो राखी कुरियर करनी है ना? हाँ जरा लवकर। हाँ, हाँ।